हमारे भारत में तीन प्रस्थान माने गए हैं, श्रुति प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान, न्याय प्रस्थान। श्रुति प्रस्थान में उपनिषद है, स्मृति प्रस्थान में गीता आदि, और न्याय प्रस्थान में ब्रह्म सूत्र, वेदांत, शारीरिक भाष्य, उपनिषद। वेद का सार है जिसकी प्रशंसा विदेशी फिलॉसफरों ने इतनी की है कि उपनिषद सूर्य है, और जितने विदेशी फिलॉसफी हैं वो सब किरण हैं। शॉपेनहावर, मैक्स मूलर, बड़े बड़े जो फिलॉसफर हुए हैं सब ने स्वीकार किया है ये उपनिषद। वैसे तो अनंत है, लेकिन वर्तमान काल में मुक्ति को उपनिषद के द्वारा बताए हुए भी हजारों उपनिषद हैं। मुक्ति को उपनिषद ने कहा गया एक ही कस्योप शाखाया, एक ही कोपनिषन मता, 1:14 मुक्तिकोपनिषद, एक एक उपनिषद की, वेद की शाखा का एक एक उपनिषद होता है। और वर्तमान काल में ऋग्वेद की 21 शाखा, यजुर्वेद की 109 शाखा, सामवेद की 1000 शाखा, अथर्ववेद की 50 शाखा, यानी टोटल 1180 शाखाएं प्राप्त हैं। तो 1180 उपनिषद तो यही हो गए, और फिर इसमें भी पूर्व तापनीय, उत्तर तापनीय के अनुसार भी भेद होते जाते हैं, लेकिन सर्वोपनिषदा मध्ये सारमष्टो तरम शतम मुक्तिकोपनिषद 1:44 सब उपनिषदों का सार 108 उपनिषद में है, और उसमें भी सबसे प्रमुख 9 उपनिषद हैं, ईशोपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद, आयतरेयोपनिषद, तैतरीयोपनिषद, श्वेताचतुरोपनिषद, प्रश्नोपनिषद। ये सब श्रुति प्रस्थान कहलाते हैं, अंतिम और अकाट्य प्रमाण।